Assalamualaikum students, welcome again class first. I hope you all are fine. Alhamdulillah. Students, today inshallah we will start a new chapter, chapter number 11, Al Adan. So, open your books, page number 46, chapter number 11, Al Adan. So students, as you can see, the boy is standing. Who is having so many questions? Let's read out the questions. Why do we hear the adhan? Hum adhan kyun sunte hain? Who call out the adhan every day? Adhan kaun deta hai har roz? What is the difference in the fajr adhan? Fajr ke adhan mein kya difference hota hai? Aur waqt ki azanon se. What should we do when we hear the adhan? Hume kya karna chahiye jab hum adhan sunte hain? Let's read out the chapter. To know the answers, हम अब चैप्टर को रीड करेंगे ताकि हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकें. लेट्स रीड. द मौदिन कॉल आउट द अदान 5 times a day इन द मॉस्क. कौन अदान देता है? मौदिन. कौन अदान देता है? मौदिन. और कहाँ देते हैं? मॉस्क में, मस्जिद में. मुस्लिम्स देन गेट रेडी टू ऑफर सलाह. जैसे ही अदान होती है, मुस्लिम्स क्या होते हैं? रेडी हो जाते हैं सलाह ऑफर करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए. द अदान रिमाइंड्स द मुस्लिम दैट इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर. अदान क्या करती है? हम मुसलमान को रिमाइंड कराती है कि अब अदान हो गई है, हमें रेडी होना है प्रेयर के लिए, ऑफ़र करनी है हमें सलाह. स्टूडेंट्स व्हेन यू हेयर द अदान, जैसे ही हम अदान सुनते हैं, यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सलाह. हमें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है? सलाह, नमाज के लिए तैयारी करनी है. यू शुड लीव असाइड वट एवर यू मे बी डूइंग दैट टाइम एज सून एज पॉसिबल. जैसे ही हम अदान सुनते हैं, वैसे ही हमें जो भी काम कर रहे हैं हमें ऐसे छोड़ देना चाहिए और क्या करना चाहिए? नमाज के लिए तैयारी करनी चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को. स्टूडेंट्स, तो हमें समझ में आया कौन अदान देता है? मौदिन अदान देते हैं 5 times की. कहाँ देते हैं? मॉस्क में देते हैं, मस्जिद में देते हैं. और मुस्लिम्स को क्या करना चाहिए? जैसे ही अदान होती है रेडी हो जाना चाहिए सलाह ऑफर करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए. और नमाज अदान क्यों दी जाती है? ताकि मुस्लिम्स को रिमाइंड कराया जा सके कि इट्स टाइम फॉर प्रेयर, कि ये टाइम है प्रेयर करने के लिए, अल्लाह को याद करने का वक्त है. जैसे ही हम अदान सुनते हैं वैसे ही हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, कोई भी काम कर रहे हैं उसको साइड में रखना है, ठीक, और अदान के लिए, नमाज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है. द वर्डिंग्स ऑफ द अदान, अब हम अदान के वर्डिंग्स देखेंगे और उसका मतलब जानेंगे, ठीक. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. यहाँ पे अल्लाह अकबर 4 times है स्टूडेंट्स. और इसका मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह. आई टेस्टिफाई दैट देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह. आई टेस्टिफाई दैट देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह. मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है. ये हमें 2 times रिपीट करते हैं, ठीक, मौदिन से 2 times रिपीट करते हैं अदान के वक्त. अशहदु अन्ना मोहम्मदर रसूलिल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मदर रसूलिल्लाह. आई टेस्टिफाई दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. इसको भी हम 2 times रिपीट करते हैं और इसका मतलब है कि मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. नेक्स्ट, हैया अलस्सलाह, हैस्टन टू प्रेयर, हैस्टन टू प्रेयर. आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ. इसको भी हम 2 times रिपीट करते हैं. हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह. हैस्टन टू सक्सेस, हैस्टन टू सक्सेस. आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. इसको भी हम 2 times रिपीट करेंगे. अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है. एट लास्ट, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह. कोई खुदा नहीं है सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है. सो स्टूडेंट्स, हमारी अदान कंप्लीट हो गई है. सो हमने अदान पूरी रीड की, हमें पता चला कि हम कितनी टाइम्स इसको रिपीट करते हैं, क्या क्या वर्डिंग्स होती हैं अदान में, और अदान कौन देता है?
मौदिन अदान देते हैं। पांच वक्त की कहाँ पर? मस्जिद में, मॉस्क में देते हैं। जैसे ही अदान होती है, अदान हम सबको रिमाइंड कराती है कि ये प्रेयर का टाइम है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। स्टार्ट रीड दिस चैप्टर एट लीस्ट 3 times एंड लर्न द वर्डिंग्स ऑफ अदान। अदान के वर्डिंग्स लर्न कीजिए अच्छे से, इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए। And this is your homework. Jazakallah khair.